क्लास एट्थ एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है हमने। देखो क्या कहता है, आसिफ टुक ए लोन ऑफ रुपीज 80,000। आसिफ एक बैंक से लोन लेता है कितना, 80,000 का। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज, पहला कंपाउंडेड एनुअली और दूसरे पार्ट में क्या कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर वो इंटरेस्ट को एनुअली पे करता है तब अमाउंट क्या आएगा, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट को क्या करता है पर हाफ ईयर पे करता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली करता है, तब अमाउंट क्या आएगा। दो अमाउंट आएंगे ना, उन दोनों को फिर क्या करना है, अपने डिफरेंस भी निकालना है, दोनों अमाउंट्स के बीच में क्या डिफरेंस आया वो भी निकालना है। इससे पहले के अगर आपको क्वेश्चन आते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, फिर बहुत ही इजी होने वाला क्वेश्चन ये। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, सेम एक्सरसाइज जा रही है ये, एक्सरसाइज 8.3। फर्स्ट पार्ट हम करेंगे इसका, प्रिंसिपल कितना 80,000, रेट कितना 10% पर एनम, और फर्स्ट पार्ट में देखूंगा, देखो क्या लिखा हुआ, कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है, वो लिखूंगा पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। तो कोई नहीं, फिर रेट को आधा शाधा करना क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ ना, तो ऐसा ही रहेगा। टाइम कितना 1.5 Years, इसको भी चेंज नहीं करने की जरूरत है क्योंकि क्या लिखा हुआ है, कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है। आपने क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। ध्यान से देखना इधर अमाउंट कैसे निकलेगा। एक साल का तो ठीक है आसानी से निकल जाता है, लेकिन साथ में आधा साल भी तो है ना, उसको देखो कैसे करना है। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, ये फार्मूला आपको पता ही है अमाउंट का, प्रिंसिपल 1+ रेट/100 की पावर्टी, वही फार्मूला लगाने लगाऊँ, प्रिंसिपल की वैल्यू दे दूंगा 80,000, 1+ रेट कितना 10/100 की पावर, पहले एक साल का लेना है, 1 दे देनी है, अभी आधे साल का भी तो लेना है ना, इस चीज़ को रिपीट करना द्वारा 1+, लेकिन रेट को क्या करना, आधा कर देना है। 10 का आधा कितना होता है 5/100, इसकी कोई पावर नहीं देनी है। पता चला क्या हुआ ये, अब अगर कुछ कैंसिल होता करो, 10 1s are 10, 10 10s are 100, 5 1s are 5, 5 20s are 100। अब ये देखो क्या है, 80,000, 10 1s are 10 +1 11/10, 20 1s are 20 +1 21/20, 10 ये दूसरा 0, दूसरा 0, 2 भी खत्म हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 4s are 8, साथ में ये 2 0 भी लगा देने हैं। नीचे कुछ नहीं रहा, ऊपर क्या क्या बचा, एक तो 400 बचा, 400 को मल्टीप्लाई करना 11 के साथ और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 21 के साथ, तो ये आया रुपीज़ 92,400। ठीक है, ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो, ये अमाउंट निकाल लिया हमने, सेकंड पार्ट ये सेम प्रिंसिपल 80,000, रेट 10% पर एनम, लेकिन सेकंड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना ना, आधा कर देना, 1/2, 10% क्या लिखना है पर हाफ ईयर, बस ये चीज़ याद रखनी है और है ही नहीं है कुछ भी, 2 1s are 2, 2 5s are 10। ठीक है, तो कितना आ गया ये, 5% पर हाफ ईयर। टाइम कितना दिया हुआ है, 1 से ही 1/2,
ये 1.5 साल इसको कन्वर्जन पीरियड में चेंज, पहले इसको करो। हाँ, 2 1 2 + 1 कितना हो गया, 3/2 ईयर्स। अब इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3/2, फिर ये 2 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या आया, 3 1/2 ईयर्स, या क्या लिख सकते हो इसको, 3 कन्वर्जन पीरियड भी कह सकते हो, मर्जी आपकी। 1.5 साल में 1.5 ईयर, जिसको हम अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में 1.5 साल भी कहते हैं, उसमें आधे आधे साल कितनी बार आते हैं, 3 बार आते हैं। 3 बार ही तो आएंगे ना, 6 महीने, फिर दोबारा 6 महीने, फिर दोबारा 6 महीने, ऐसे बन जाएगा 1.5 साल, 3 1/2 ईयर का। अब हमने क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। फिर वही फार्मूला प्रिंसिपल, 1 + rate/100 की पावर टी, दे दो प्रिंसिपल की वैल्यू 80,000। 1 + rate, अब ये लेना है 5 वाला, अपॉन 100 टाइम ये लेना है, कैंसिल करो, 5 1 5, 5 20,000, तो ये आ गया 80,000। 21 से 20 + 1 कितना हो गया, 21/20 की पावर 3। अब क्या करना है, हाँ 80,000 तो आएगा ही आएगा, 21/20 3 बार, 21/20, 21/20, 1 2 3, 0 खत्म, 1 2 3, 2 2 4 2 क्या होता है, 8। तो ये इधर 80 था, 10 8 कितना हो गया, 80। पता चला कैसे आ गया 10, ये अब ऊपर क्या बचा है, 21 21 21, 3 बार इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है जितना भी आया, और उसको क्या करना है, फिर 10 से भी मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये सारा आ गया ₹92,610। दोनों केसेस के अमाउंट निकाल लिए, एक ये आया एक ये आया। अब क्या करना है, दोनों में डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस नाउ, डिफरेंस इन अमाउंट्स, देख लो दोनों में जो बड़ा है उसको ऊपर रखना, ये बड़ा आ रहा है 92,610 में से माइनस कर लो ये वाला अमाउंट 92,400, तो माइनस करके जो भी आएगा वो आ गया 92,400, 210 का डिफरेंस आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, तो इसको ध्यान से समझ के कॉपी पे नोट करना है।